critical stage in success. Once you get it, the nature takes care of itself. Everything else is, once a mushroom forms, it grows. Nothing stopping it. The success lies in reaching this stage. Understood? Once you get primordia formation, it's just question of production management. Our production management is critical biotechnology. Where, like, आपका क्या है यहाँ एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, जो डॉक्टर कोराडे को भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट अगर आपको यूनिफॉर्म उसका साइज रखना होगा तो एलईडी लैंप आप यहाँ डाल सकते हैं, एलईडी तो उस पर बिल्कुल कुछ किसी भी बैक पर शेडो अच्छा नहीं होना चाहिए. जब उस पर शेडो गिरता है, जैसा कि नीचे नीचे सब शेडो है, वहां फ्रूटिंग कम हो जाता है और उसका जो स्ट्राइप है ना वो बढ़ जाता है. सो वो ऐसा होता है, उसका शेप, उसका स्टेम बढ़ जाता है और स्टेम को प्राइस नहीं होता, बटन को प्राइस होता है. आपको अगर स्टेम का साइज कम रखना हो तो आपको लक्स मीटर लेकर चेक करना होगा कि हर बैक पर यूनिफॉर्म लाइट गिरता है या नहीं. ये ट्यूबलाइट का प्रबंध है वो बिल्कुल सुटेबल नहीं है. सिर्फ काम के लिए लेकिन अभी मशरूम का, बटन मशरूम या कोई भी जाति का मशरूम जो है, उसको फ्रूटिंग के लिए इस स्टेज के बाद बहुत लाइट की जरूरत होती है और वो 24 घंटा होती है. जब तक अच्छा लाइट उस मशरूम को नहीं मिलता वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. ऐसा ऐसा जैसा अगर शेडो में आपने एक पपाया का प्लांट लगाया तो वो पपाया का प्लांट का उसका कोकोनट ट्री बन जाएगा. ठीक है ना? तो उस तरह से क्या होता है कि वहां देखो, वो सब वहां रात हो गई है, यहाँ दिन है बराबर ना, वहां रात है, यहाँ वो सब सोया हुआ है और वो मालूम करता है कि लाइट कहाँ से आ रहा है. तो आपको लाइट अगर आप बढ़ाए तो 20% आपका क्रॉप बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी. मैंने ये भी नोट कर लेता हूँ.